झारखंड में चुनाव के साथ घुसपैठ का मुद्दा भी गरमाता जा रहा है। समस्या के समाधान के लिए झारखंड से सांसद जम्मू कश्मीर वाला फॉर्मूला लगाने की सलाह केंद्र को दे रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। देखिए क्या चल रहा। और पूरा संसार बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया। झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। झारखंड का चुनाव नजदीक है। बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाकर हेमंत सरकार को घेर रही है। लेकिन इस बीच गुरुवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में अजीब मांग रख दी। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के संथाल परगना रीजन में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। निशिकांत दुबे भी संथाल परगना रीजन की गुड्डा सीट से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद, बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर NRC भी लागू की जानी चाहिए। आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है, जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संसार बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। NRC लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम मेंबर्स को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा, जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235B 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, बल्कि क्षेत्र में बाहरी लोगों के बसने का मामला है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और गांवों से हिंदुओं को बाहर निकाल रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं और झारखंड पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहाँ के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। निशिकांत दुबे का दावा है कि वर्ष 2000 में जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, तब संथाल परगना क्षेत्र में 36% जनसंख्या आदिवासियों की थी, जो अब घटकर 26% हो गई है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए। मैं जिस राज्य से आता हूं, अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए, इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। संथाल परगना क्षेत्र में 6 जिले कोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ आते हैं। निशिकांत दुबे ने यह भी दावा किया कि राज्य की 25 विधानसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 110% से 125% तक बढ़ गई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए इन इलाकों में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, जो जिला पंचायत से लेकर लोकसभा का चुनाव तक लड़ती हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाली ज्यादातर महिलाओं के पति मुस्लिम हैं।
झारखंड में कम से कम 100 ऐसे गांव हैं जहां की ग्राम प्रधानों के पति मुसलमान हैं। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला आदिवासी कोटे से लड़ती है, उनके पति मुसलमान है। जिला परिषद की जो अध्यक्षा है उनके पति मुसलमान है। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान है। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15-17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123% जय, मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। आंकड़ों के जरिए जान लेते हैं कि हकीकत क्या है। 1951 के मुकाबले 2011 में झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या 16% कम हुई। ये 44% से घटकर 28% रह गई। पाकुड़ में 10 साल में मुस्लिम आबादी 40% बढ़ी। साहिबगंज में 10 साल में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ी। इन दो जिलों में ही मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में जमीन दलालों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। गिफ्ट डीड के जरिए जमीन दलाल बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज माटी बेटी और रोटी को बचाने के लिए एक बार फिर से हुल करना होगा। एक और हुल दरकार है, मांग है आज के संथाल परगना से पूरे झारखंड में। आज माटी बेटी रोटी की अस्मिता को बचाने के लिए एक बार फिर से हुल करना ही होगा। ये अत्याचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये तुष्टिकरण वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पोषित करके आदिवासियों के जमीन बहनों को और यहाँ के सारे चीजों को लूटने वाली सरकार है। इस सरकार को जरूर जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के केंद्र शासित प्रदेश की मांग को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की जिम्मेवारी अमित शाह की है। बीजेपी हमेशा बांटने की राजनीति करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फितरत ही रही है, देश तोड़ो देश बांटो, समाज तोड़ो समाज बांटो। इसी फितरत पे ये लोग काम करते हैं। क्यों? आप डेमोग्राफी की बात करते हो, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अमित शाह जी के अधीन आता है, उसमें वो फेल्योर है, तो अमित शाह जी के फेल्योर होने पर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि बिहार से कुछ जिला काट लो, झारखंड से कुछ जिला काट लो। क्यों काट लो? तो देश भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के अधीन में है। क्या किस रूप में देखेंगे जब यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? आदिवासियों को, मूलवासियों को बताइए, आदिवासी मूलवासियों के लिए यहाँ पर जो SPT और CNT वो एक बहुत बड़ा उसका बचाव कवच है, सब लोग जान रहा है। कौन नहीं जानता SPT, कौन नहीं जानता CNT है? लेकिन यही मुख्यमंत्री बोलने वाला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सख्ती से लागू करेंगे। कहाँ लागू हुआ? आस्थानी नीति के बारे में इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया, 14 महीने तक शासन काल मिला, उस समय भी लागू नहीं किया और अभी भी नहीं हुआ। क्या समझेंगे इसे? इसका मतलब है आदिवासी का वोट लो और बाद में आदिवासी को भूल जाओ। यही हुआ आज तक। अगर आज आदिवासियों के प्रति हमदर्दी होता, आदिवासी के प्रति वे दिल से सोचते, तो आज इतना बड़ा जमीन खरीद बिक्री नहीं होता। अब ये जानना भी जरूरी है कि कोई क्षेत्र कैसे बनता है केंद्र शासित प्रदेश। किसी भी इलाके या क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए संसद की मुहर आवश्यक है। कोई इलाका या क्षेत्र जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा हो और उसे अलग राज्य का दर्जा देना मुश्किल हो। सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है।